पर एक्शन में परिवहन मंत्री, उन्नाव हादसे पर एक्शन में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली बार प्रदेश में बस मालिक पर एफआईआर होगी। परिवहन अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। जिन जिलों में बस गुजरी, जिन जिन जिलों से, वहां वहां एक्शन की तैयारी कर ली गई है। प्रदेश भर में अवैध बसों पर नकेल कसने की भी बात कही जा रही है। 18 लोगों की चूंकि मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं। जिम्मेदार कौन, सवाल सबसे बड़ा यही है। और पूरे हादसे को देखते हुए यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर की ओर से एक्शन की बात कही जा रही है। सख्त इस पर नजर आ रहे हैं परिवहन मंत्री। इस पर ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता रवि कुमार जुड़ गए हैं। रवि, बहुत जरूरी भी था ये, और अपने आप में ऐसा पहली बार कि जब बस चालक पर एक्शन लेगी सरकार, और ये कितना जरूरी भी था क्योंकि कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं बस चालकों की लापरवाही की वजह से। जी, कई बार इस तरह के हादसे हुए और हादसों को लेकर हर बार लीपापोती होती है, लेकिन इस बार परिवहन मंत्री है पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इस पूरी घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। मृतकों और घायलों को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों को 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद और उसके अलावा घायलों को लेकर 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। और जाहिर है कि इस पूरी घटना को लेकर जहाँ संवेदनाएं है वो व्यक्त की है, और वही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना को लेकर संज्ञान लिया। और परिवहन मंत्री ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जो भी इस बस का जो मालिक है उसको लेकर फायदा दर्ज कराई, और जिन जिन रास्तों पर जो बस गुजरी है उन जिलों या उन इलाकों पर जो भी जिम्मेदार लोग थे उनकी क्यों लापरवाही बरती, की कैसे इस बस को आगे चलने दिया गया। और यही नहीं, अब माना यह भी जा रहा है कि इस तरीके की जो बसें हैं वो चलती हैं सड़कों पर और तेज रफ्तार से और नियमों को दरकिनार करते हुए, तो ऐसे में उन पर भी कहीं ना कहीं अब नजर रहेगी परिवहन विभाग की। और जाहिर है ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर ही सरकार की सख्ती होगी। हालांकि परिवहन मंत्री की तरफ से रूस पे कदम आगे बढ़ाया गया, अभी देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सख्ती होती है, सख्ती का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। लेकिन इस पूरी घटना में जहां 18 लोगों की जान चली गई, वहीं 19 लोग अभी भी घायल है। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे में जांच होगी, जांच के बाद ही पूरी घटना की जो लापरवाही है किसकी थी वो सब सामने होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ है, हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। अब फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की तैयारी हो रही है, देखना होगा कि ऐसे हादसे ना हो इसको लेकर क्या कुछ सख्ती है वो बरती जाती है। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित करने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो सहम गया इन तस्वीरों को देखकर, इतना दर्दनाक था ये हादसा। और हादसे के पीछे की बड़ी वजह रफ्तार रही, रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला। 18 लोगों की मौत हो गई, मृतकों में कौन कौन शामिल है रवि? साथ ही साथ दिल्ली बताया जा रहा है कि ये बस आ रही थी, कहाँ के रहने वाले सभी बस में सवार लोग थे, घायलों की स्थिति कैसी है ये भी बताइए। और देखिए बिल्कुल, जो भी लोग घायल है उनको लेकर उनका जो इलाज है वो अस्पतालों में कराया जा रहा है। हालांकि सभी को फौरन ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था जिला अस्पताल में। उसके अलावा जो भी मृतक है उनका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए उनके शवों को भेजा जा रहा है। उन सभी लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार से ये बस निकली थी और ये दिल्ली के लिए बस जा रही थी। और हालांकि आगरा सुबह पर उन्नाव के करीब पूरा हादसा हुआ है, जहां पर ये पूरी घटना जब हुई है सुबह के करीब 7 बजे करीब घटना बताई जा रही है, जिस वक्त ये तेज रफ्तार बस है वो जा रही थी और आगे जा रहे 2 टैंकर के पीछे से जा टकराई, और उसी दौरान ये पूरा जो हादसा है वो हुआ, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 19 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर जो सरकार है वो सख्त है, और वहीं परिवहन मंत्री की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर एक्शन परिवहन मंत्री पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। और जाहिर है इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई भी होगी, अभी देखना होगा कि बिल्कुल। पीएम मोदी की ओर से भी हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। रवि आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी इस पर। उन्नाव में देखिए जो सड़क हादसा हुआ है वो बेहद दर्दनाक है, कई लोग घायल भी इसमें हुए हैं। घायलों से जिला अस्पताल जाकर हमारे संवाददाता सत्यम वाजपेयी ने बातचीत की, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें सुबह करीब 4:30 बजे हादसा हुआ है, जिसमें से 18 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जो है, जो गंभीर घायल हैं उनको जिला अस्पताल लाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको शिफ्ट किया जा रहा है, इसमें कईयों की हालत यहाँ पर गंभीर है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त मौजूद हैं हम, आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पूरा जिला प्रशासन मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर, कई एम्बुलेंस लगा दी गई हैं, जो करीब यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर जो हादसा हुआ है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर
वहाँ से घायलों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया जा रहा है। जिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बता दें पुलिस अधीक्षक यहाँ पर मौजूद, पूरा जो है जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और घायलों का यहाँ पर हालचाल लिया जा रहा है। साथ ही जो जिनकी मौत हो गई है उनको पोस्टमार्टम के लिए अगली कार्रवाई की जा रही है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूरा जो जिला अस्पताल यहाँ पर है पूरा खचाखच भरा हुआ है, जिला प्रशासन यहाँ पर पूरा मौजूद हुआ है और लोगों की जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम लगा दी गई है, घायलों का उपचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको ट्रामा सेंटर रेफ़र किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो बीमार हैं, जो काफ़ी घायल हैं उनके जो परिजन हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर पुलिस की टीम और जिला प्रशासन मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है और सूचना भी जो परिजन हैं उनको यहाँ पर दी जा रही है। उन्नाव से इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यम वाजपेयी। रवि मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। रवि, चूंकि पहली FIR ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, पहला इस तरह का मामला जब शिकायत ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, और क्या एक्शन की बात कही जा रही है सरकार की ओर से, क्या लिस्ट भी तैयार की जाएगी? इससे पहले जो हादसे हुए हैं इस तरह के ड्राइवर्स की लापरवाही की वजह से, साथ ही साथ ये पूरा रूट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं, हमने देखा तस्वीरें, लाशों का पूरा ढेर लग गया सड़क पर, रूट को ठीक किया गया है क्या, सुचारू किया गया क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब इस तरह के हादसे होते हैं हादसों को लेकर कई तरीके के जो नियम है बनाए जाते हैं, जैसे कि लंबी यात्रा के लिए तकरीबन दो चालकों का होना अनिवार्य किया गया था कि आधी दूरी के लिए चालक है वो उनका इस्तेमाल होगा। लेकिन जाहिर है किस तरह की घटना हुई, बिहार से दिल्ली जा रहा एक लंबा रूट था, उस लंबे रूट में क्या स्थिति थी, चालक एक ही था और ये भी चर्चा है कि जो ड्राइवर को संभवतः नींद आ गई थी तो उसी दौरान ही पूरी घटना है वो हो गई। फिलहाल ये पूरा जांच का विषय है आखिर घटना क्या कुछ कैसे हुई, लेकिन जाहिर है लंबी दूरी की जो पूरी बस थी, यात्रा थी और उसी दौरान आप जिस तरीके से ये स्पीड में थी बस और जिस तरीके से ये पूरा सामने से दूर का टैंकर जा रहा था उसी में पूरी बस जब टकरा जाती है उस दौरान ही पूरा हादसा होता है। अब जाहिर सुबह तड़के के करीब कुछ घटना बताई जा रही है जिसमें छोटे हुए सभी लोग संभवतः रहे होंगे और जिस दौरान ये घटना हुई उसमें करीब 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि 30 लोगों की घायल होने की खबर थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिली करीब 19 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर भी रेफर किया जा रहा है जिनकी हालत थोड़ी गंभीर है। फिलहाल जो भी बचाव कार्य है उसको लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बाकायदा इसको लेकर जानकारी दी है और समुचित इलाज हो घायलों का और जो भी इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई हो, इसके लिए परिवहन मंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं और जाहिर उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन अब जो घटना हुई है उसको लेकर देखना होगा कि आखिर इसमें किस तरीके से पूरी जो बस है वो बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली के लिए जा रही थी और ऐसी तमाम सारी और भी बसें हैं जो इस तरीके से तेज रफ्तार में दौड़ती हैं और जो कहीं ना कहीं ये घटना की वजह बनती है। हालांकि जब ऐसी घटनाएं होती है तो घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर जरूर सख्ती बरती जाती है, लेकिन बावजूद उसके भी घटनाएं होती रहती है। अभी देखना होगा जो इतनी बड़ी घटना हुई है उन्नाव को लेकर वो उस घटना को रोकने के लिए क्या कुछ और सख्ती बरती जाती है, इस तरीके की जो तरीके से जो बसों का संचालन होता है क्या उन पर भी जो कार्रवाई होती है, या यूं कहें कि जो अलग अलग इस तरीके की जो बसों के जो अड्डे बना रखे हैं अवैध रूप से उन पर भी क्या कुछ नजर पड़ती है सरकार की। लेकिन सरकार जाहिर है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त है, देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर परिवहन विभाग क्या कार्रवाई करता है। परिवहन मंत्री ने जरूर इस पूरे मामले को लेकर जो बस का जो मालिक उसको लेकर खिलाफ कार्रवाई की जो बात जरूर कही, लेकिन अब देखना होगा कि इस तरीके की घटनाएं ना हो उसको लेकर क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल, दर्दनाक ये पूरा हादसा उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी की ओर से हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। आपका रवि शुक्रिया फिलहाल इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।